नमस्ते, मैं हूँ रंजनी और मैं हूँ निकिता। ग्रीन इंटर्नशिप शो में आपका स्वागत है। क्या आप हमें से एक और यह सोच रहे हैं कि 12th के बाद आप अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या आपको कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए या कौन सा करियर बनाना चाहिए? इसलिए हम आज शो के साथ हैं जिसका नाम है ग्रीन इंटर्नशिप शो, जिसमें हम आज ऐसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार भर में अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अलग अलग कौशल सीख रहे हैं। उन्हें वह व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है जिसे वो शुरू करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। वे जैविक खेती, मशरूम की खेती, टिकाऊ उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कम्पोस्ट, पुनर्चक्रण, कचरा प्रबंधन और कोडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों के साथ कार्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि ग्रीन इंटर्नशिप या ग्रीन जॉब क्या है? यह वह है जो टिकाऊ है, जो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जो कम प्रदूषण करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, कच्चे माल का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरण के लिए हितकारी है, भले ही वो सीधे तौर पे एक हरित उद्यम ना हो जैसे कि एक तकनीकी व्यवसाय। जब तक व्यवसाय स्थायी रूप से संचालित नहीं होता, इस शो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप कौन से कौशल सीखेंगे, इंटर्नशिप कैसे करेंगे, पेशेवर सेटअप में काम करना कैसा होता है, यह आपकी कैसे मदद करेगा और भी बहुत कुछ। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आप स्वयं के बारे में जान पाएंगे, ना कि किसी और के अनुभव के आधार पर। उस व्यवसाय के बारे में जिससे आप शुरू करना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं टिकाऊ उत्पाद के बारे में। आज हम बात करेंगे बेम्बू मेटल इंडस्ट्री के बारे में, तो चलिए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, आप कितने क्लास में पढ़ती हैं और आप कहाँ रहती हैं? मेरी नाम है रूमा कुमारी और मैं 9 क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी घर में। आप बेम्बू मेटल इंडस्ट्री कर रहे हैं, आप इस पेशे के बारे में क्या जानते हैं, क्या आप कोई रिसर्च किया है? हम इस पेशे के बारे में पहले से नहीं जानते हैं, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। इंटर्नशिप आने के बाद पता चला कि बेम्बू मेटल बहुत सारा चीज कैसे बना सकती है। ये इंटर्नशिप कितने दिन का है, आपको लगता है ये काफ़ी है, क्या है क्यों नहीं? मुझे यह इंटर्नशिप 2 दिन का, मुझे लगता है इतना समय काफ़ी है किसी चीज़ को आसानी से सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस इंटर्नशिप में आप क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस इंटर्नशिप में सीखने के लिए मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा और हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकें। क्या आप नर्वस है, क्यों या क्यों नहीं? जी नहीं, हम बिल्कुल नर्वस नहीं, हमको कोई डर भी नहीं लग रहा है, यह हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यह मेरे लिए अच्छा मौका है। आपका नाम क्या है, आप कितने क्लास में पढ़ते हैं और आप कहाँ रहती हैं? मेरी नाम है सुनीता कुमारी, मैं 9 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं मालटनी में रहती हूँ। आप बेम्बू मेटल इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप इस इंटर्नशिप के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपने कोई रिसर्च किया है? हम इस पेशे के बारे में पहले से जानते थे, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया है। इंटर्नशिप आने के बाद हमें यह पता चला कि बेम्बू मेटल से बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। यह इंटर्नशिप कितने दिनों का है, क्या आपको लगता है ये काफ़ी है, क्यों या क्यों नहीं? यह इंटर्नशिप 10 दिनों का है, मुझे लगता है इतना समय काफ़ी है किसी चीज़ को आसानी से सीखने के लिए, इसके बारे इससे कि हम सीख कर आगे बढ़ सकें। इस इंटर्नशिप में आप क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इंटर्नशिप में मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, इससे कि सीख कर आगे बढ़ सकें। क्या आप हमें 5 कौशल बता सकते हैं जो आपने सीखा, आप इन कौशलों का उपयोग कैसे करेंगे? हमने इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारा कौशल सीखा, लेकिन जो प्रमुख कौशल था उसके जो प्रमुख कौशल था जिम्मेदारी लेना, आत्मनिर्भर होना, लीडर बनना। आज इंटर्नशिप का दिन खत्म हो गया, आपको कैसे लग रहा है, आप और कोचिंग में चाहती हैं? इस इंटर्नशिप में बहुत नया नया चीज़ सीखने को मिला था, इससे हम लोग बाद से नया नया चीज़ बना सकते हैं, इससे हमारा वातावरण को भी बहुत फायदा होगा। यह
युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्यों करना है? युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेपर कोई नौकरी अभी तक करना चाहते हैं तो इसे अनुभव होना बहुत जरूरी है, इसलिए युवाओं को इंटर्नशिप और अनुभव होना बहुत जरूरी है। क्या आप हमें कुछ भी बता सकते हैं जो आपको सीखना चाहिए था, जो अगले इंटर्नशिप में सीखने की उम्मीद नहीं थी? मुझे इंटर्नशिप के कंपास्ट के बारे में जानना था, मैं थोड़ा सा कंपास्ट के बारे में सीखना था, तो हम लोग जो भी तरीके से बना सकते हैं तो इसे हम लोग इंटर्नशिप में उम्मीद करते हैं। आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक युवाओं को क्या सलाह देंगे? जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसे एक सलाह दूंगी, व्यापार या लाभ हानि दोनों होता है, तो क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी काम करें उसे लगन से करें। तो जैसा कि हमने देख लिया है, इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी की बात करते हैं। अरे ये किसने, हमें अपना नाम बताए, आप क्या करते हैं, आप किस जिले में? मेरा नाम चंदा देवी है, प्रखंड दिगंत बहन है, जिला किशनगंज है, हम मार्केटिंग के रहने वाले। आप ये व्यवसाय कैसे शुरू किया, आप संक्षेप में बताएं। मेरा मम्मी पापा ने, मैं तो शुरू से उनको पढ़ा रहा था, पढ़ाते सोचे फिर बांस का भी काम सिखा रहा, बोला कि जब पढ़ा करके अगर नौकरी नहीं कर सकती हो तो बेटी बांस का भी काम करके खा सकती हो, हम ये सब सामान बेच के मार्केट में क्या कुछ बेच के कुछ पैसा कमा सकती हो, अपने बाल बच्चा परिवार को लेके चल सकती हूँ, इसीलिए हम ये काम भी में ध्यान दिए, पढ़ाई में भी ध्यान दिए, हमको नौकरी नहीं मिला, हम बांस का ही काम करके खा सकते हैं। क्या आपकी नज़र में कोई छात्र है जो कौशल में खड़े उतरे हैं? मेरे मतलब इसमें है कि कोई छात्र ऐसा है सीखने के लिए भी कोशिश करते हैं और मतलब बनाते भी हैं, वो बोलते हैं कि आगे चल के अगर हमको नौकरी ना मिली तो हम ऐसे ही मतलब दीदी के तरह जैसे कि मेरे पास जो सीखा है तो वो ही सीख के मतलब वो भी आगे बढ़ के वो मतलब कोई सामान बना के दुकान में सेल कर सकते हैं या मार्केट में सेल कर सकते हैं या बाजारों में सेल कर सकते हैं, सेल करके कुछ पैसा कमा के अपना घर परिवार चला सकते हैं। अपना यही है कि जैसे कि बांस, अब पूरा बांस जो काट लिए हैं उसको कितना नफाई में काटना चाहिए, कितना इसको मतलब वीडियो से बात करना चाहिए, कितना मतलब सेंटीमीटर लेना चाहिए, ये सब सारा लेके कि किस तरह मतलब इसको काटना है, कैसे इसको माटना है, कैसे इसको चीरना है, ऐसे मतलब जैसे कि हाथ में ना लगे, जैसे वो लोग मतलब कि जैसे लगन से करो जैसा कि आपको आगे चल के कोई हानिकारक ना पड़े। आइए देखते हैं नालंदा में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। मैं मुस्कान कुमारी हूँ, आज हम यहाँ पटना में है कुछ नए प्रोडक्ट इंटर्नशिप पर, यहाँ के कुछ बच्चे इस इंटर्नशिप पर कुछ सीख रहे हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वातावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे हम कैसे बदल सकते हैं, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते और जब नहीं करते हैं तो उनका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे वातावरण पड़ता है और हम लोग को भी पड़ता है। अगर ये हो जाए कि हम उसको नहीं फेंकेंगे, उसका प्रॉपर यूज करेंगे, तो किसी को न किसी को एक बार आगे आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्नेह प्रोडक्ट की इंटर्नशिप पे और जानते हैं उन बच्चों से कि वो क्या सीख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग का प्रैक्टिकल था तो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? हमारा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या वो वैसा ही चल रहा है जैसा आपको उम्मीद थी? हाँ, वो वैसा ही चल रहा है जैसा हम लोग को उम्मीद थी, इससे अच्छा चल रहा है। आप कौन सा कौशल सीख रहे हैं? हम लोग बहुत सारे कौशल सीखे हैं, जैसे टेकिंग नोट्स, वातावरण को सुदृढ़ करते हैं और जैसे क्लाइमेट चेंज, और भी बहुत सारे अपने हम लोग कौशल सीखे हैं। क्या आप अपनी सहायता को सहयोगियों से बहुत कुछ सुन रहे हैं, जैसे वे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसे हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्या हम लोग के बारे में बताएंगे? हाँ, हम लोग ने अपने अनुभव के बारे में बहुत सारे बातें की हैं, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी को सुधार सकते हैं और बेकार वस्तु को यूज में ला सकते हैं, और भी बहुत सारे अनुभव हमने किए हैं। थोड़ा बहुत
जब धागा बनेगा तो कई तरह से कोई कपड़ा बना कर सकता है। बेसिक है कि जब धागा बनेगा तो कपड़े बनेंगे और कपड़े में जो भी उसके बाद दूसरा चीज है उससे रस्सी भी बनती है, रस्सी बना सकती है। तो रस्सी बनाने के बाद क्या है कि बैग बैग जो होती है या बैग जो है वो धागा से नहीं बनेगा। मेरा नाम अंजु कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ, मैं पटना जिले से। मेरा नाम जानवी कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ और मैं पटना जिले से। तो क्या आप सिर्फ लेवल पर सीखते हैं? हाँ। इसके बारे में आपको कैसे पता चला, क्या आपने कोई रिसर्च की है? नहीं, इसके बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं की, बल्कि हमारे स्कूल में एक मैम आई थी, उन्होंने इसकी जानकारी दी। इंटर्नशिप कितने दिनों की है? इंटर्नशिप 10 दिनों की। क्या आपको लगता है 10 दिन के लिए काफी है? हाँ, हमारे लिए 10 दिन काफी है। इस इंटर्नशिप को करके आपको सीखने की क्या उम्मीद है? इस इंटर्नशिप को करके हमारे लिए पर्यावरण को रोजगार का साधन बना सकते। क्या आप नर्वस है? हाँ, मैं नर्वस हूँ, पर मैं पर अब मैं नर्वस नहीं हूँ। हमें आपसे मिलने बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? हम ठीक हैं। आप क्या कर रहे हो? आज हमारा इंटर्नशिप का लास्ट डेट था, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है? हमारा एग्जाम नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आज का दिन आप लोग का खत्म हो गया, आपको कैसा लग रहा है? आज का दिन हम लोग का खत्म हो गया, हमें अच्छा लग रहा है। क्या कुछ ऐसा भी है जो आप सीखना चाहते थे पर आप इस इंटर्नशिप पे नहीं सीख पाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ने सारा कुछ हम लोग को सिखा चुके हैं। आप उन्हें 5% के बारे में बता सकते हैं जो आपने सीखा है? हाँ, हम लोग 5% के बारे में कैसे बताएंगे, जैसे कि पहला है पर्यावरण को शुद्ध रखना, दूसरा है कि अपना जो बात विचार है उसको दूसरों के सामने कैसे रखते हैं, उसके बाद हम लोग को मार्केटिंग करना, फिर हम लोग एक टीम बना के उसमें मार्केटिंग या कुछ भी होलसेलर में करना, ये सब होते हैं कौशल के, ये कौशल के बारे में। इस कौशल का उपयोग आप कैसे करेंगे? इस कौशल का उपयोग मैं उस तरह से करूँगी, व्यवसाय करने में करूँगी, जैसे कि कुछ भी पर्यावरण को शुद्ध करने में, आदि तरह से भी कर सकती हूँ। युवाओं को क्या इंटर्नशिप और कार्य अनुभव मिलना चाहिए? हाँ, युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव मिलना चाहिए, जिंदगी का साधन बना सकते हैं। हम पेड़ का बनाव में कितना होता है, इसको कम बोलते हैं, पेड़ को नहीं, पेड़ नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है फल। ये आया फल, फल को तो हम लोग खा लेते हैं, और केला है इसमें धार्मिकता लोगों को की मानते हैं, इसको हम लोग अपने पूजा पाठ में भी यूज करते हैं, वो भी जा रहे हैं, इससे इसमें हम लोग अलग कर लेते हैं। तो फल के बाद लोग क्या करते हैं, इसको फेंक दिया जाता है, जबकि इसको फेंकना नहीं चाहिए, अभी बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं किशनगंज में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है कांशा भारती। और मेरा नाम दीपा कुमारी। आज हम बात करेंगे बम्बू मटेरियल के बारे में, तो चलिए चलते हैं युवाओं के पास और उनसे बात करते हैं। इसको जो साइड वाला लेना है, यानी कि आगे पीछे इसको डालना है, तभी तो होगा। फिर इसको ऐसे रखे, किस क्लास में पढ़ते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरा नाम नया मधु। आप इंटर्नशिप करें, आप इस बारे में क्या जानते हैं, क्या आपने रिसर्च किया? हम इस पेशे के बारे में पहले से नहीं जानते थे, इसके बारे में हमने कोई रिसर्च नहीं किया है। इस इंटर्नशिप में आने के बाद हमें पता चला कि हम बात से बहुत कुछ बना सकते हैं। यह इंटर्नशिप कितने दिन का है, क्या आपको लगता है यह काफी है? यह इंटर्नशिप 10 दिन का है, मुझे लगता है इतना समय काफी है किसी चीज को सीखने के लिए, उसके बारे में सीखकर आगे बढ़ सकते। आप इस इंटर्नशिप में क्या सबको उम्मीद करते हैं? मुझे उम्मीद है कि मुझे इस इंटर्नशिप में मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि मैं आसानी से आगे बढ़ सकूं। क्या आप नर्वस हैं? क्यों या क्यों नहीं? जी नहीं, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप में आने के बाद हम बहुत खुश हैं।
सुनते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम ममता कुमारी है, मेरे घर भी क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे घर नया भाई। आप लोगों ने मुझे करियर पिछले कुछ बार क्या जिंदगी थी आपने कोई रिसर्च किया? हम इस पैसे के बारे में पहले से नहीं जानते थे, हमने कोई रिसर्च नहीं किया है, हमें पहले कोई रिसर्च नहीं किया है, इंटर्नशिप में आने के बाद हमें पता चला कि हम बात से बैठे बने। आप इस इंटर्नशिप में क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस इंटर्नशिप में मुझे मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि मैं आसानी से आगे बढ़ सकूँ। क्या आप नर्वस है? क्यों है? क्यों जी नहीं, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप में आने के बाद हम बहुत खुश हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ सीखी, लेकिन हमें जैविक तरीके से खाद बनाने और कंपोस्ट बनाने के बारे में जानना था, लेकिन एक इंटरेस्ट मैंने इसलिए हमारे लिए ऐसा करने के लिए करते हैं। आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक हम उन इच्छुक युवाओं को यही सलाह देंगे कि व्यवहार में लाभ हानि दोनों होती है, लेकिन कोई भी कार्य करे तो निरता और निरता पूर्ण होता है। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई नौकरी या व्यापार करते हैं तो हमें अनुभव होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए युवाओं को इंटर्नशिप कार्य अनुभव मिलना बहुत जरूरी है। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है, हमने बम्बई मेट्रो के बारे में जाना है, हमने पहले से बम्बई मेट्रो के बारे में जानकारी दी। क्या यह वैसा ही चल रहा है जैसे आपने उम्मीद की थी? हम लोग को उम्मीद था कि बम्बई मेट्रो के बारे में बताया जाएगा, और ये मेरी उम्मीद के अनुसार ही चल रहा है, जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही चल रहा है। क्या आपको उद्यमी से कुछ प्रतिक्रिया मिली है? हाँ, तो क्या मुझे उद्यमी से प्रतिक्रिया मिली है कि जब हम बात करेंगे तो ध्यान से काटेंगे, जैसा कि मेरा हाथ या उंगली ना काटे। आप कौन कौन से कौशल सीखते हैं? हम बहुत सारा कौशल सीख रहे हैं, जैसे कोई काम समय पर करना चाहिए, लीडर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना। आज इंटर्नशिप का दिन कैसा लग रहा है आपको? अभी इंटर्नशिप का 10वां दिन था, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी, और हमें बास के द्वारा जो बनाए गए चीज़ के बनाया गया वह सारी हमें अच्छी लगी, और हमारे वातावरण को इससे फायदा है। क्या आप हमें 5 कौशल बता सकते हैं जो आपने सीखा इन कौशलों का उपयोग कैसे करेंगे? हमने बहुत सारे कौशल इस इंटर्नशिप में सीखे, लेकिन जो कौशल थे उम्मीद बनाए रखना, निडर रहना, आगे बढ़ना, हमें इन कौशलों का उपयोग किसी प्रकार करेंगे जैसे किताबों में किया। आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छी युवाओं को क्या सलाह देंगे? जो भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उससे हम कहेंगे व्यापार कोई भी हो उसमें लाभ हानि दोनों होता है, लेकिन एक सलाह एक बात हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी कार्य करे उससे लगन से। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने उद्यमी के पास और जानते हैं कि वह बस से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो आप अपने नाम बता क्या करते हैं, किस जिले में रहते हैं? मेरा नाम चंदा देवी है, हम मालटुंडी के रहने वाले हैं, जिला किशनगंज के हैं, और क्या तो बोलते हैं, हम बस का काम करते हैं। आपने ये व्यवसाय कैसे शुरू किया, कृपया हमें संक्षेप में बताएं। हमने व्यवसाय शुरू किया, मेरे मम्मी पापा ने हमको पहले पढ़ाया लिखाया, और उसको पढ़ते पढ़ते हमको नौकरी नहीं मिला, फिर हम बाद में क्या किए, चलो हम बस का ही काम सीखते हैं, मम्मी पापा जो कर रहा था मेरा, तो हम बस का काम सीखते हम सब बन गए, ये तो आप लोग को हम सिखा सकते हैं। छात्रों की प्रति आपका क्या परिवर्तन है? छात्रों से यही है कि मैं छात्र सीखने के लिए भी कोशिश करते हैं और सीखने के लिए भी चाहते हैं, तो मतलब कि कुछ सीखे मैडम की पास से सीख कैसे कम करें या कुछ कैसे सीख सकते। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? मतलब मेरे पास यही है कि आप लोग मन से करें, लगन से करें और अच्छा से करें, और मतलब व्यापारी में मतलब कि कुछ घबराना नहीं है, ताकि कुछ वैसा कि मार्केट में जाओगे ऐसा करके बेचोगे तो 2 रुपया 4 रुपया जो आपका पास होगा तो अच्छा से मतलब ये करके आप लोग बना सकते हो, ये कर सकते हो, इसमें से आपको ये मतलब कि भारी नहीं पड़ सके, जैसे कि आप पैर भी बचा के हाथ भी बचा के आपका बांस को काट सकते हो, मार सकते हो अच्छे से, यानी कि चीर सकते हो, इसी यानी कि आप लोग का ये मतलब सलाह है। क्या आपकी नज़र में कोई छात्र अपने कौशल के साथ खरीद रहे हैं? हाँ, मेरे नज़र में है बहुत काफ़ी, लेकिन 4-5 लड़की या लड़का है मिलकर, मतलब मेरे नज़र में ऐसे अच्छा सीखने के लिए चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, 2-4 लड़का दिमाग में भी लेके आ गए हैं और सीखता भी है अच्छा से भी, लगन से भी वो अपना कोशिश करता ही है और सीख भी लिया है। तो आज हमने सीखा कि टिकाऊ उत्पाद कैसे बनाएं, यह अब आपके पास है। अब आपने इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे कि आपने हमें काम करते और कार्य अनुभव प्राप्त करते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि हमें काम करते वक्त देखते समय आपने भी कुछ सीखा?
हाँ बहुत खूब, हमें लिखें और हमें बताएं कि आपने क्या क्या सीखा। और अगर आपको भी इंटर्नशिप करना है तो www.bointoschool.com पर हमारे साथ संपर्क करें या फिर स्क्रीन पर आ रहे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको इंटर्नशिप के रोमांचक सफर पर भेज सकें और 12वीं के बाद अपना करियर शुरू करने में मदद करें। फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आज का ये शो देखने के लिए। क्या आप सबको मजा आया? क्या आपने एंजॉय किया? सुपर। क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? चलो ये मौका भी है आपके पास। आर यू गाइस एक्साइटेड नाउ? एक्साइटमेंट तो होगी ही आज तक। तो चलिए, आप लोगों के पास मौका है एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीखने का और एक या एक से ज्यादा ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप करने का। तो साइन अप करने के लिए उस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप। सो कौन कौन सी इंटर्नशिप आप कर सकते हो? बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ बायोगैस, और हाँ और भी बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं इंटर्नशिप करके। ये जो आप सारा दिन हाथ में फोन पकड़े बैठे हैं, जरा उसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ फायदा उठाइए, कॉल और व्हाट्सएप कीजिए और साइन अप कीजिए आज ही फॉर ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए। हेलो एंड वेलकम टू यूथ वेंचर फंड, एक मौका यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो क्या आप हैं अगले ग्रीन एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर जो इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं? क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? उसके लिए आपको क्या करना है? स्क्रीन पर देखिए जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप।